सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार अद्विक का फोन मिला रहा था, लेकिन हर बार नॉट रिचेबल सुनकर मेरा दिमाग कुछ अनहोने की आशंका जाहिर कर रहा था। अद्विक मेरा जिगरी दोस्त है, हम दोनों ने साथ साथ इस कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया था। आजकल वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहाड़ी इलाके में एक टनल पर काम कर रहा है। उसे यहां से गए 2 महीने हो गए हैं, और इन 2 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसने मुझसे बात ना की हो। कुछ दिन पहले, यार रोहित, जब यहाँ पहाड़ों में प्रोजेक्ट मिला था तो मैं मन ही मन बहुत अपसेट था। लग रहा था इस छोटे से पहाड़ी गांव में पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा। यहाँ आकर पता चला कितना सुकून, कितना ठहराव है यहाँ की जिंदगी में। अब तो मुझे यहाँ की जिंदगी से प्यार हो गया है। भाई तेरे लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे हैं, बता क्या बात है। रोहित यार, गाँव से साइड पर जाते हुए बीच में एक घना जंगल पड़ता है। इसी जंगल के ठीक बाद एक छोटा सा झोपड़ी नुमा मकान है। मैंने एक सुंदर सी लड़की को अक्सर इस मकान की खिड़की पर बैठे हुए देखा है। उसकी नीली गहरी आंखों में कुछ है यार, उसका ख्याल जाता ही नहीं है मेरे मन से। मैं चाहे जहां रहूं ऐसा लगता है उसकी आंखें मेरे साथ ही है। कई बार तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ही है, जैसे कहीं आसपास छिपकर मुझे देख रही हो। अबे बस कर भाई, तू तो शायर हो गया। इतना गहरा प्रेम कि तुझे पत्थरों में भी लड़की दिखाई दे रही है। अद्विक उस लंबे बाल और नीली आंखों वाली लड़की की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। एक दिन उसके घर के सामने से गुजरते समय लड़की ने अद्विक को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। बाबूजी, बाबूजी। हेलो, मेरा नाम अद्विक है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपल है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यहाँ बैठ कर राह देखती रहती हूँ, शायद कभी कोई आए जिसे मैं अपना कह सकूं। अच्छा, एक बात पूछ सकता हूँ? तुम रोज मुझे यहाँ बैठकर देखती हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आप तो मुझे एक नजर में ही भा गए थे, लेकिन मेरे जैसी गांव की अनाथ लड़की को आप क्यों पसंद करोगे? तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारी जैसी परी जितनी सुंदर लड़की मुझसे प्यार करेगी। अद्विक और रूपल रोज ढेरों बातें करते, और फिर अद्विक रात को मुझे रूपल के बारे में बताता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अरे भाई थक गया तेरी रूपल की तारीफ सुनते हुए, एक फोटो ही भेज दे उसकी, मैं भी तो देखूं तेरी परी को। अरे यार वो बहुत शर्मीली है, फोटो खींचने ही नहीं देती है, उसे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा सुन, कल मैं शादी कर रहा हूँ, 15 दिनों में प्रोजेक्ट का काम भी खत्म हो रहा है, फिर मुंबई में जोरदार पार्टी करेंगे। भाई लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गया, अकेले अकेले कौन शादी करता है यार। तू कहे तो मैं पहुंच जाता हूँ कल। नहीं यार, एक्चुअली वो रूपल है ना, वो चाहती है कि हमारी शादी ऐसे ही हो, एकदम सादगी से। अद्विक ने वादा किया था कि शादी के बाद वो रोहित को वीडियो कॉल करेगा और रूपल से भी मिलवाएगा। पूरा दिन बीत गया था, लेकिन अद्विक का कोई फोन नहीं आया था। रोहित को लगा कि शायद नई नई शादी है, रूपल के साथ बिजी होगा। लेकिन इसी तरह एक के बाद एक दिन बीत गए, ना तो अद्विक का कोई फोन आया, ना ही रोहित के किए हुए किसी भी फोन का अद्विक ने कोई जवाब दिया। 3 दिनों के बाद ऑफिस में इन्फॉर्मेशन आई कि अद्विक लापता है। ये खबर सुनते ही रोहित के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। जो लड़का अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए इतना उत्साहित था, अचानक कैसे और कहां गायब हो गया। अगले ही दिन अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर रोहित उस गांव में अद्विक को ढूंढने के लिए पहुंच गया था। जिस समय रोहित गांव पहुंचा, दिन ढलने को था, चारों ओर घना कोहरा दिखाई पड़ रहा था। अद्विक ने बताया था कि साइड से गांव जाते समय जंगल के किनारे ही उस लड़की का घर था, इसलिए रोहित सबसे पहले रूपल से मिलने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो तीनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे, ना जाने क्यों बढ़ते अंधेरे के साथ एक अजीब सा खौफ उनके मन में फैलता जा रहा था। दिन ढलने के बाद गांव का कोई भी आदमी उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ रहा था। रोहित कैसी डरावनी जगह है भाई ये, ना आदम ना परिंदा, दूर दूर तक बस बर्फ और कोहरा दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस लड़की और घर के बारे में तू बता रहा था उसका तो यहाँ नामो निशान भी नहीं है। तू खुद सोच, ऐसे सुनसान जंगल में कौन लड़की अकेली रहेगी। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, आखिर 3 दिनों में वो लड़की कहाँ गायब हो गई, और हमारा अद्विक भी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे
कि तभी नीलेश ने टॉर्च की रोशनी में किसी लड़की को भागकर पेड़ के पीछे छिपते हुए देख लिया। वह कोई है भाई? पायल की आवाज तो मैंने भी सुनी है, लेकिन इतनी रात गए सुनसान जंगल में लड़की कैसे आ गई? भाई कोई चुड़ैल तो नहीं है? तू बकवास बंद कर। तीनों लड़की के पास पहुंच जाते हैं। ओढ़नी से अपना चेहरा छुपाए हुए वो तीनों को देखकर झट से पीछे घूम गई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी बकरी जंगल में गुम हो गई है, उसी को ढूंढने आई थी। आप लोग कौन हैं? अच्छा, इसी गांव में एक इंजीनियर रहने आया था, उसे जानती हो? हाँ, वो तो बड़े ही भले आदमी है। अच्छा, उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती थी, तुम जानती हो वो लड़की कौन थी? यही जंगल के पास उसका घर है। क्या कहा? जंगल में लड़की का घर? जंगल में लड़कियां नहीं, चुड़ैल रहती हैं। उनकी किसी के साथ दोस्ती नहीं थी। गांव में लोग कहते हैं वो किसी चुड़ैल के चक्कर में फंस गए थे। कई लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं थे। अकेले में बड़बड़ाते रहते थे, रात को जंगल में भटका करते थे। क्या बात कर रही हो? तो क्या रूपल नाम की कोई लड़की है ही नहीं? तो फिर अद्विक कहाँ चला गया? जरूर आपके दोस्त अद्विक को वो पिछली पैरी अपने साथ ले गई है। अब बस एक ही उपाय है, आप लोग मेरे साथ चलिए। हमारे पहाड़ों में ऐसा पहले भी हुआ है, सुंदर नौजवान लड़के इनका सबसे पसंदीदा शिकार होते हैं। अब तो बस बिरजू बाबा ही उस पिछली पैरी से आपके दोस्त की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अद्विक से हाथ धो बैठे। हमें उन बाबा के पास ले चलो। नहीं नहीं बाबूजी, रात गहरी है, ऐसे में अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। मैं कल सुबह आपको लेकर चलती हूँ। रोहित ने महसूस किया कि बात करते हुए वो लड़की बार बार आंचल से अपना चेहरा ढक रही है और डर कर इधर उधर देख रही है। देखो घबराओ मत, हम लोग अच्छे लोग हैं, मुसीबत के मारे हैं, शायद तुम्हारी मदद से किसी की जान बच सकती है। हमें अभी उन बाबा के पास ले चलो। रोहित की बात सुनकर लड़की कुछ पल के लिए रुकी, इधर उधर देखा और फिर इशारे से उन तीनों को घने जंगल की ओर आने को कहने लगी। अपनी पायल और काली चूड़ियों को छमछम करती वो आगे आगे चलने लगी। वे तीनों भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सामने एक घर दिखाई दिया। पहले लड़की ने उस घर में प्रवेश किया, उसके बाद एक एक करके रोहित, नीलेश और सुंदर भी अंदर आ गए। अंदर आते ही लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ बाबूजी, बाबूजी मुझे बचाइए। इससे पहले कि वे तीनों कुछ समझ पाते, तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। गहरी काली रात में सुनसान जंगल के बीचों बीच बने इस घर में उनकी सांसों के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर से भेड़ियों और सियारों के रोने की आवाज सुनकर उनकी आत्मा भय से कांप रही थी। रोहित ने टॉर्च से कमरे में रोशनी की और वे धीरे धीरे उस घर में आगे बढ़ने लगे। ये देखो, ये अद्विक का मोबाइल है ना, इसका मतलब अद्विक यहाँ आया था। लेकिन वो लड़की कहाँ गई? वे तीनों सोच ही रहे थे कि अचानक सुंदर की नजर जमीन पर बेहोश पड़े अद्विक पर पड़ी। ये रहा अद्विक, यहाँ तो हर तरफ खून फैला हुआ है। ओ गॉड, इसे हुआ क्या? अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई मंत्र पढ़ रहा हो। टॉर्च ऑन करके तीनों अंदर के कमरे में पहुंचते हैं। वह फर्श पर खून से पैरों के उल्टे निशान बने हुए थे और सामने एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल बैठी कोई मंत्र पढ़ रही थी। उन तीनों को देख वह उठ खड़ी हुई और जोर जोर से हंसने लगी। पहनावे से पता चल रहा था कि ये वही लड़की है जो उन्हें यहाँ लेकर आई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए थे। बालों के बीच से उसकी लाल लाल खून की तरह चमकती आंखें दिखाई पड़ रही थी। देखते ही देखते वह चुड़ैल लंबाई में बढ़ने लगी। उसका सर अब मकान की छत को स्पर्श कर रहा था। कभी उल्टे पैर देखे हैं? मरने से पहले देख लो कि कैसी होती है पिछली पैरी। बड़े बेवकूफ होते हो तुम शहर वाले, जरा सी सुंदर लड़की देखी नहीं कि आ गए उसके बहकावे में। आज अमावस्या की रात है, तुम चारों की बलि देकर तुम्हारा खून पीऊंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम ही हो जवान लड़कों का शिकार करने वाली पिछल पैरी। फिर भी अपने शक को पुख्ता करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ चलते समय पीछे मुड़कर तुम्हारे पैरों के निशान देखे।
जो उल्टे थे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि तुम एक चुड़ैल हो। हद्विक के गायब होने के बाद मैं लगातार उसका फोन मिलाता रहा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट हेड को फोन करके सारी बातें विस्तार से बताई। उन्होंने गांव में पूछताछ कराई तो पता चला यहाँ रूपल नाम की कोई लड़की है ही नहीं, और अद्विक को अक्सर अकेले में कई लोगों ने हंसते बातें करते भी देखा था। जिस मकान की अद्विक बात करता था असल में वहां कुछ था ही नहीं, वो तो तुम्हारा रचा हुआ भ्रम जाल था। गांव के लोगों ने उसे समझाया भी, लेकिन वो तुम्हारे सम्मोहन में था। उसे रूपल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ सैकड़ों सालों से पिछल पैरी घूम रही है, जो ऐसे ही नौजवानों का अमावस्या को शिकार करती है। पिछल पैरी रोहित की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई थी। गुस्से में वो जोर जोर से चीखने लगी और अपनी 3 फीट लंबी जीभ को हवा में लहराने लगी। देखते ही देखते कमरे में एक सी शक्ल सूरत को 4-5 चुड़ैल दिखाई देने लगी। बिजली की तेजी से वो रोहित के शरीर के हर पार निकल गई। अचानक ही पिछल पैरी सुंदर को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाने लगती है और बाकी की चुड़ैलें वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये सब भ्रम है, असली चुड़ैल सुंदर को अंदर ले गई है। बाबा ने बताया था खून पीते समय ही त्रिशूल घोपने से उसका अंत हो सकता है। रोहित दौड़ते हुए अंदर वाले कमरे में गया। वहां पर पिछल पैरी अपने पहने नाखूनों से उसकी गर्दन को चीर चुकी थी और अपने दांत गड़ाकर उसका खून पी रही थी। रोहित ने आओ दिखाना था बजरंग बली का नाम लेकर वो त्रिशूल उसकी कमर में घोंप दिया। एक तेज चीख के साथ पिछल पैरी के साथ साथ उसके सारे रोग जलकर भस्म हो गए। रोहित और नीलेश ने सहारा देकर सुंदर और अद्विक को उस घर से बाहर निकाला। अद्विक की हालत बहुत खराब थी। थोड़े इलाज के बाद सुंदर और अद्विक सामान्य हो गए। कहते हैं कि अद्विक को आज भी कई बार रात को अपने घर के बाहर कोई काले कपड़ों वाली स्त्री छिपकर उसे घूरती दिखाई देती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।